उस टाइम पर मैं डाउन था भाई घना है। उस टाइम पर वो प्रेशर में था भाई, वो प्रेशर के कारण हार गया। फाइट फूट थी इसी थी, नॉर्मल है, मैं खेल गया उस गल वो ना था कि मैं घना तगड़ा था, वो घना बुद्धा था, कोई कारण ना था आने का कारण ही हुआ था बस मैं उसके लिए खेल गया। उस कसम में ना कि होया भाई वो हार गया। Sanjeet is hardy, he's tough, uncatchable, unhittable. Sanjeet is here every morning. Sanjeet trains all the time. Sanjeet does extra work. हम लोग अलग सोचते हैं, इसने अलग करते हैं। No matter what, he doesn't get discouraged, doesn't stay down. काफी डेडिकेटेड आते हैं, दो तीन सेशन करेंगे, उसके बाद अपने और दो तीन सेशन करेंगे। वो दिखते कुछ और हैं और केज में जाने के बाद एकदम ही डिफरेंट। तब जब ये रिंग में उतरता है तो इसका रूप एक अलग होता है भाई। टेक्निक से ज्यादा वो जिगर से लड़ता है, दिल से लड़ता है। He is one of the favorite. He has lot of followers, lot of fans, जो आकर पूरे स्टेडियम खचाखच भरा होता है, जय श्री राम जय श्री राम। सो संजीत बुधवार की स्टोरी ये है कि जब वो अपने गांव में थे तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने गांव वालों की तरह फौज में जाता हूँ और भारत की सेवा करता हूँ। बट उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि वो मेडिकल में फेल हो गए। ही कुडंट क्लियर द मेडिकल्स एंड दैट्स व्हाट मोटिवेटेड हिम टू बी फिजिकली फिट। सो एज अ पार्ट ऑफ हिज फिटनेस रेजीम ही टुक अप बॉक्सिंग एंड वी हैव द MFN's करंट फेदरवेट चैंपियन संजीत बुधवार। जवाब भाई भाई सारे भाइयों ने जवाब भाई भाई सारे भाइयों ने MFN में घना बढ़िया रहा है। हमारे खातर दो फाइट आ रहा हूँ मैं भाई, बढ़िया रही हैं। मेरी पहली फाइट अनु कुमार के लोई थी भाई SFL में, तो उस टाइम पर वो भाई बढ़िया आया था, चैम्पियन था, तो अपना भी दाल लग गया, फिर अब जीत ही सा है भाई किसी का भी लाग इसके साथ बाण भाई। हम दो तीन आर्मी में हैं, अरे दो आम थालियाँ बेबे हैं, बह रखी हैं, बाकी माँ बाबू हैं, दादा दादी घर हैं भाई, सब सब मिक्स इकट्ठे रहते हैं, सब के साथ अच्छी बॉन्डिंग है भाई। बाड़का में जोड़ कहीं मिट्टी से शुरुआत करी, मट्टी में खेलते खेलते फिर माड़ा हा गाबरू हा हो गया, फिर मेहनत लग गया करने। घना बढ़िया भाई है भाई, सारे भैया का मलजुल कर लेगा चलनिया भाई है। अपना कल्चर है भाई, जो अपना हरियाणा में के है कि मैं करो चाहे ना करो पर स्वाद चाहिए सब कह है। मैं देखो संजीत भाई हरियाणा से, हरियाणा में एथलीट्स की कोई कमी नहीं है एंड उनके फ्रेंड्स दीपांशु गौरव हम सब बचपन से खेल रहे हैं,
ही इज अ थ्रू एंड थ्रू एथलीट. यू पुट हिम इन एनी स्पोर्ट, बैडमिंटन खिला दो, उसमें भी चैंपियन बन जाएंगे. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो इतने बड़े लेवल पे खेलते हुए भी अपने मतलब देसी स्टाइल को नहीं भूले हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एकदम देसी हैं. बिल्कुल संजीत भाई एकदम देसी आदमी हैं, एकदम मनमौजी हैं. तभी आपने उनको देखा है कि हाथ उनके एकदम नीचे रहते हैं, गार्ड बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और वो अपना गेम खेलते हैं. सो आई थिंक हिज फाइटिंग स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फाइटर्स, बिकॉज इफ़ यू लुक एट हिज स्टैंस, ही हैज़ अ वाइडर स्टैंस. उनका स्टैंस काफ़ी wide hota hai. He doesn't have a stance like a boxer or maybe like an MMA fighter, but his stance is very wide like a karate guy and his hands are always down, and yet he delivers a beating. Jai Baba bhai bapal sare ne yaar baba ke lal baba masta hamari bahut gani to ja to jai baba ki bhai bhagwan ki puja paath karte hain bhai ye inko mante hain unki jai bolte hain bhai. ये हमारा ही रहता है स्लोगन जब भी हम मतलब किसी को एज अ रिस्पेक्ट के उसमें करता है, तो हमारा सबसे पहला होता है जय बाबा की. बाकी मन का साफ है और बोली में खड़ापन है, मतलब जो है देसी है, कोई बनने की कोशिश नहीं करता. वो मैं उड़े हूँ भाई, भी कल्चर में अपने में बाहर भाई जी भी ना लगता कि तब बाहर चले जा. हाँ जो तीन चार दिन आड़ रहा करता फाइट होती जब आ जाता ना फिर अपना घर चला जाता कैंप में भी बाहर के भाई बाहर 45 मिनट की क्लास हो जाती भाई उसमें वार्म अप कराया और भाई उन्होंने अपना वर्क करवा दिया. दूसरी क्लास हुई 45 मिनट की फिर वह भी कर ली भाई, उस समय वार्म उस समय कूल डाउन सब के मुझ हो गया. करण में प्रैक्टिकल में और बताण में बहुत फर्क हो जाए भाई. बाहर में बाहर जाओ है ठीक है, बाहर पार्टनर बढ़िया मिल जाएंगे पर टीम होनी जरूरी है भाई. गल बाहर मजा आना था यार, दोस्तों में बैठना भाई, फैमिली है उड़े बढ़िया अलग है. इतना टेंशन ना लेता कोई, मतलब आपने हसना खेलना कूदना रपिया रपिया तो बहुत घनी पछ जाकर सोचा भाई. स्वभाव में कोई चेंज नहीं है भाई, कति मिलनसार आदमी है, भाई का भाई है भाई. कति बोलते हैं ना भाई, इंसान वो होता है जो अपने साइड में कोई बंदा बैठा है उसको ये ना तो वो ये महसूस होने दे कि वो मेरे से छोटा है, ना ये किसी को बड़े को ये महसूस होने दे कि वो मेरे से बड़ा है. वो एक्यूरेट उदाहरण संजीत है भाई. रागनी आ शौकीन हाँ भाई छोरा, अच्छी रागनी सुने, अच्छी मेहनत करे है. रागनी अपने आप अगली अगली चलती रहेगी, वो कंटिन्यू लगे रहेंगे भाई. उनकी कसरत का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता. किसे गाने सुना है को, किसे गाने सुना है को, हरियाणवी सुना है को, पंजाबी सुना है को, ये जो अपने बॉलीवुड वाले हैं वो सुना है, तो हम रागनी सुना है भाई. बस आप लोगों ने कभी गौर किया हो भाई, एक नॉर्मल लाइफ में जैसे अपने साथ बैठता उठता है तब एक भाइयों वाली बात रहती है, जब वो गेम में रिंग में उतरता है तो साइलेंट किलर इसी के बेस पे इसका नाम रखा गया कि भाई रिंग में उतरता तो रहता चुप है बट हाथों से ज़्यादा बात करता, मुंह से नहीं बोलता भाई. इसका फाइटिंग स्टाइल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई. बोलता कम है वो, उसमें करके दिखाता है ना, लोग बोलते बहुत है. He never gets discouraged and I've seen him in some bad spots. And he continuously looks for a way out and finds a way to win. Fight ki hype nahi banata aise zyada, jaise trash talk wagera kam karta hai wo. Chup rehta hai apni fight ke time pe. To isliye silent killer hai usko. Academy partner apan full support kare bhai. Sab ke hum dekh lo khulle apne khatre hai. Koi rok tok nahi, kab aao kab jao, kuch karo ke main puchho ko chada bhai. Full support hai apna. No comparison to him. He's the hardest worker in the room. And before class training करना या class खत्म होने के बाद अपनी conditioning करना, striking करना, movement करना, it all adds up. He has no ego, so he's here to learn. He knows what his job is, and I love that. भाई इतनी मेहनत कर रहा है, आप motivate हो जाओ आदमी इन्हें देख के. ये मूवी वगैरह में होता है कि भाई किसी को हम पागल बोलते हैं, हकीकत में हम उनको पागल बोलते थे उस टाइम पे, वो इतनी प्रैक्टिस करता था. 13 फाइट हुई जब मैंने फाइट कैंसिल कर दी थी, बाहर का अपोनेंट था को उस गया, तो फिर श्यामानंद गल फाइट आएगी, श्यामानंद गल फाइट करोगे भाई, हाँ क्यों नहीं. पर मैंने बेरा था वो उस टाइम पर वो प्रेशर में था भाई, वो प्रेशर के कारण हार गया. मैं उसके लिए खेल गया, उसका समझ में ना क्या हुआ. The last fight I think is one of the best in his career, because against him we had
Shyam Anand, who was hungry, who was ferocious, and who actually delivered a pounding. And in fact, main to cage side baitha hua tha, I was wearing a white shirt. These guys were exchanging bad leather aur itne buri tarike se ki mere shirt pe, mere notes pe, I had blood all over. MFN है MFN और के इंडिया में वो पहले आए थे उन फाइटर चूतिया बनाए फाइटर मैं तो 17,000 रुपया हम फाइट करवा रहे थे भाई को मैं जो डेब्यू कर रहा है को चैम्पियन है मैं पहली फाइट करी मैं डेब्यू कर रहा हूँ भाई था वो यूज हो रहा है बेल्ट थी भाई वो चैम्पियन था फाइट वो बनाया जिन्हें बेरा ही नहीं खेल के सोता है भाई मैं तीसरी चौथी माया था मैं फिर मैं शायद तो भाई 2-2.5 लाख रुपये मिले यार थे ये 10-12 लाख रुपये मिल जाए देख ले करो थे भाई मैडम ने इतना ही जितना एमएमए फाइटर खातर करे ना इंडिया के खातर इतना कोई कम ना कर सकता भाई ओनर है वो एक फैमिली की तरह आगे ट्रीट करना भाई आओ भाई बैठो सब पूछना बहुत बड़ी बात है भाई वो किसने किया मतलब भाई कोई कम करो फाइट करा अपने पैसे ले भाग करा पर वो ना भाई एक फैमिली की तरह अपने बड़का की तरह हाल चाल पूछना बैठना आगे बात करनी भाई बहुत बड़ी बात है हमारे खातर तो भाई बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि बताऊं तो मेरे ये दोनों फेवरेट फाइटर मेन इवेंट में खेल रहे हैं संजीत बुधवार और बदाक्षी द करंट चैंपियन संजीत बुधवार एंड वी हैव गॉट द चैलेंजर अब्दुल अजीम बदाक्षी एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फाइट फॉर द डेकेड इट्स गोइंग टू बी अ फाइट व्हिच ऑल द फाइट फैंस आर वेटिंग टू वॉच आउट फॉर आवर मेन इवेंट इज गोइंग टू बी समथिंग I think it's going to go down in the history of MMA in our country for sure. Best of luck, bhai Abdul ne bhi aur badhiya fight kari hai bhai aur badhiya fight dikhao hai bhai. Apni aur to koi kusarna chhodna bhai. Public ne kya chahiye bhai? Public ne to badhiya fight chahiye. Bada bado ek dusre ki chhattan hai. Public ne to jab swad aao bhai. Aur public ne kya chahiye ude swad le rao bhai. मैं संजीत भाई को बहुत प्यार करता हूँ रियली और कनाडा में तो दोस्त हमारा है वो मुंबई था भाई इसके मेरा समझ में नहीं आती मेरे इश्क नहीं आती दोनों अपने तो बदाक्षी भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं कि आज रात को एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं क्या फाइट करना है या एक फाइट करते हैं लाइक एक शो देते मजा के लिए तो यहाँ ऐलान कर दिया अगले एमएफएन के लिए संजीत बुधवार और अब्दुल अजीम बदाक्षी